हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआरबी फिजिक्स कोटा पे। देखिए हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले यूपी के राउंड थ्री के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या होगी, राउंड थ्री में क्या कट ऑफ होने वाली है। देखिए जो राउंड थ्री है आपका स्टार्ट होना डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट जो है आपका 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रहेगा। 2 PM से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट ने पूछा कि सर किस दिन से राउंड थ्री स्टार्ट होगा और इसमें जो डिपॉजिट मनी के लिए है वो भी 7 से 9 अक्टूबर तक यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट होगी। और इसके बाद जो डेट ऑफ मेरिट लिस्ट होगी 10 अक्टूबर होगी। डेट ऑफ ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग ये आपकी 11 to 15 अक्टूबर रहेगी। तो ये जानकारी है इससे रिलेटेड। अब देखिए जो ऑनलाइन आपका मतलब जो राउंड थ्री का कट ऑफ होगा तो कट ऑफ के लिए आपको पता है राउंड टू का, राउंड टू के लिए देखिए यहां पर जो 15 सीट है यहां पर ये कॉलेज ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज यहां सोनभद्र में यहां पर 15 सीट बढ़ी है। यहां पर ये 15 सीट एमबीबीएस की बढ़ गई है। तो देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर सीट नहीं बढ़ी है तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कट ऑफ में कोई खास चेंज नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सीट बढ़ती तो एक हम उम्मीद करते। लेकिन हाँ जो अभी इसमें वैकेंट सीट है उनके अकॉर्डिंग कुछ कट ऑफ में चेंज आ सकता है। देखिए ये आपका राउंड टू का कट ऑफ था। अब राउंड टू का कट ऑफ यदि अगर आप देखें तो जनरल का कट ऑफ गया था यहाँ पर 650, 10 के लिए भी 650 था, ओबीसी के लिए 648 और ओबीसी गर्ल्स के लिए 648 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 648 था और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए भी 648 ये रैंक है आपकी। देखिए एससी कैटेगरी के लिए ये 519 कट ऑफ था और एसटी के लिए 320 और 323 यहाँ पर ही गर्ल्स के लिए है। देखिए यहाँ पर अब क्या कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में अगर आप देखें तो देखिए जो राउंड थ्री का कट ऑफ होगा लगभग सेम रहने वाला है। बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस होने की उम्मीद नहीं है कि जो राउंड टू का कट ऑफ था यहाँ पर देखिए अगर बहुत अधिक सीट होती या बढ़ जाती इसमें कुछ सीट और एक्स्ट्रा एड होती है, केवल 15 सीट MBBS की ऐड हुई है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैकेंट सीट है उन्हीं पे चॉइस फिलिंग होगी तो थोड़ा बहुत कट ऑफ घटने की उम्मीद होगी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कट ऑफ नहीं घटेगा। ओके तो देखिए यहाँ पर ये जो 15 सीट यहाँ पर बढ़ी हुई है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए तो स्टूडेंट इस पे एक बार आपको जानकारी है तो आप इसको चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। 15 सीट यहां पर बढ़ी हुई है राउंड थ्री के लिए। ओके थैंक यू। अब देखिए जो भी स्टूडेंट नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए देखिए हम अपने चैनल पे फ्री लाइव क्लास यहां पर लेते हैं। जो नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री लाइव क्लास रहेगी आपकी, इसमें हम क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चैनल पे डिस्कस करते हैं। ओके